हेलो एवरीवन वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल तो आज मैं आप लोगों के साथ सूजी से बनने वाली बहुत ही अच्छी नमकीन चिवड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप महीनों तक रख सकते हैं स्टोर करके और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स डाल करके बनाएंगे तो बच्चों के लिए भी ये खाना काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा तो सबसे पहले कोई भी कटोरा ले लें मेज़र करने के लिए तो जो मीडियम साइज़ का कटोरा घर में अवेलेबल होता है ना मैंने वही लिया यहाँ पर तो सबसे पहले उस कटोरे से हमें ढाई कटोरा पानी मेज़र करना है अगर आप कब से करना चाहें तो कब से भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे पहले यहाँ ढाई कटोरा पानी लिया है अब पानी को हमें गर्म करना है यहाँ पर क्योंकि हमें इसमें सूजी डालनी है साथ ही इसमें डाल देंगे नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नमक डाल दें थोड़ा सा एक चम्मच के करीब अब डालेंगे इसमें सूजी तो मैंने यहाँ पर फाइन वाली सूजी ली है आप कोई सी भी सूजी का यूज़ कर सकते हैं मोटी बारीक जैसी भी हो आप ले सकते हैं जब पानी अच्छे से यहाँ पर बॉयल होने लगे तो फ्लेम को आप कम कर दें और उसमें डाल दें दो कटोरी सूजी मतलब ढाई कटोरी पानी में आप यहाँ पर दो कटोरी सूजी डालें मेरा यहाँ पर सॉस पैन थोड़ा सा छोटा पड़ गया था अब क्या करें फ्लेम लो ही रहेगा और आप इसे अच्छे से एकदम मिला लें जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फ्लेम को ऑफ़ कर दें और क्या करें ना कि इसे ढक करके छोड़ दें 10 से 12 मिनट तक के लिए ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाए जब तक ये ठंडे हो रहे हैं हम चलते हैं बाकी के प्रोसेस करने के लिए तो मैंने यहाँ पर पैन चढ़ा दिया है और उसमें डालेंगे हम मूँगफली तो क्या है ना कि आपको जो जो चीज़ें जितनी पसंद हो आप उस अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं कोई भी क्वांटिटी मैंने नहीं ली है यहाँ पर तो सबसे पहले मैंने एक चम्मच तेल डाला था पैन में उसमें डाल दी है मूँगफली मूँगफली यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो गई है मतलब अच्छे से लाल हो जाए तो आप यहाँ डाल दें मखाना तो मैंने यहाँ पर कोई भी और तेल घी का यूज़ नहीं किया इसी से मखाने यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो आप यहाँ पर अच्छे से लो फ्लेम पे रोस्ट कर लें इसे देखिए यहाँ पर ये एकदम तो अच्छे से क्रिस्पी हो गया है तो हम क्या करेंगे ना किसे निकाल लेंगे और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर काजू बादाम तो जो जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और जो नहीं पसंद आप स्किप कर दीजिएगा और मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि अव्यू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से ड्राई फ्रूट खाना तो यहाँ पर जो ड्राई ये थे ना काजू बादाम मैंने क्या किया ना दो दो पीस कर दिए हैं पैन में वापस से मैंने एक चम्मच के करीब घी डाला है और सबसे पहले मैंने बादाम डाल करके थोड़ा सा इसे भून लिया है फिर इसमें काजू डाला है काजू भी जब हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पर भून जाए तो हम इसमें डाल देंगे पम्पिन सीड तो जब भी आप इस तरह की नमकीन घर में बनाएं तो आप इस तरह की सीड्स वगैरह ऐड करें ताकि ये टेस्टी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी बन करके तैयार हो मार्केट वाले और घर वाले में यही डिफरेंस होता है कि आप इसमें चीज़ें अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं क्वांटिटी डाल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हो जाता है जब ये सारी चीज़ थोड़ी सी भुन गई तो मैंने आखिरी में थोड़ी सी इसमें किशमिश डाली है और इसे भी सारी चीज़ों को अच्छे से लो फ्लेम पर भून लेंगे और उसी परात में मैंने निकाल लिया यहाँ पर तो अभी सारी चीज़ें गर्म है और इसमें अच्छी खासी घी लगी हुई है तो मैं इसी में डाल रही हूँ नमक थोड़ा सा सादा नमक काला नमक चाट मसाला डाला दो चम्मच पिसी हुई चीनी डाली है ताकि एकदम अच्छी खट्टी मीठी बनकर के तैयार हो अगर आपको यहाँ पर तीखा पसंद है तो आप यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं या फिर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं मैंने कोई भी मिर्च ऐड नहीं की है क्योंकि आप लोग पता है अभी छोटा है इसी वजह से आप चाहें तो इसे मिर्च ऐड करें अब मैंने यहाँ पर तीन उबले आलू लिए हैं मीडियम साइज के हैं तीनों आलू ऐसे छोटे महीन वाले ग्रेटर से हमें इसे ग्रेट कर लेना है तो इसमें मोटे दाने नहीं रहने चाहिए आलू के अब जो सूजी थी ना वो भी अच्छे से थोड़ी सी ठंडी हो गई है मतलब हम इसे हाथों से छू सकते हैं ये इतना ठंडा हो गया है तो ये दस बारह मिनट में अच्छे से थोड़ी ठंडी हो जाती है अब आपको यहाँ पर आलू और सूजी को अच्छे से मसल मसल कर आपको यहाँ पर इसे गूथना है तो अगर आपको ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगे तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं कभी कभी क्या होता है ना आलू की वजह से ज़्यादा मतलब हार्ड या फिर सॉफ्ट हो जाता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आलू की क्वांटिटी से भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी जब ये थोड़ी सी गुद गई तो मैंने इसमें डाली दो तो चम्मच के करीब तेल ऐसे वापस से अच्छे से गूद करके स्मूथ कर लेंगे आटा यहाँ पर एकदम सॉफ्ट होना चाहिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए नहीं तो जब आप इसकी सवई बनाएंगे ना तो ये निकालने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है अब मैंने यहाँ पर इस तरह से जो सवई बनाने वाली मशीन आती है ना यही वही मैंने लिया है अब मैं आज यहाँ पर इसे छोटे वाली जाली का यूज़ करूँगी आपको जैसी पसंद हो मोटी पतली आप उस अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं आपको कहीं भी लोकल मार्केट में या फिर अमेजन वग़ैरह मिल जाता है बहुत ही आसानी से तो मैंने अच्छे से इसमें तेल लगा दिया अच्छे से ग्रीस कर देंगे ताकि ये ज़्यादा चिपके ना अब आप जो सूजी का मिक्सर था ना मतलब सूजी और आलू वाला मिक्सर आप इस तरह से अच्छे से राउंड करके मतलब लंबा करके आप ले लें और ऊपर से आप ढक्कन को लगा दें और अच्छे से आप इसे टाइट कर दें ध्यान रहे कि मतलब जो मशीन है ना उसके ऊपर तेल या फिर ये सूजी का मिक्सर नहीं लगना चाहिए नहीं तो आपको निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है आप पहले थोड़ा सा निकाल करके देख लें कि अच्छे से निकल रहा है तभी आप डायरेक्ट फिर कढ़ाई में डालें और यहाँ पर जो तेल है ना अच्छा गर्म होना चाहिए उसके बाद आप फ्लेम को लो कर दें उसके बाद आप इसे डालें और हाइट आप अच्छे से ऊपर से डालें नहीं तो आपको गर्म लगने लगेगा जब ये एक बार अच्छे से एक साइड सीख जाए तो देखिएगा झाग खत्म हो जाता है तो आप इसे दूसरे साइड पलट लें अभी आप इसे बिल्कुल भी ना तोड़ें नहीं तो तेल में टूट जाएगा और ये फिर आपको निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी तो जैसे आप डालें उसी तरह से आप इसे पलट करके वापस निकाल लें सूजी की ये बहुत जल्दी फटाफट से बन जाती बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं करती है और ये वाइटी दिखेगी आप इसे आप जैसे इसे पलटेंगे ना तो आपको एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी मालूम चलेगा देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पर बना लिए हैं बाकी के सारे सवई हाथ को ऊपर ही रख के नहीं तो आपको गर्म लगेगा जब ये सारे यहाँ पर फ्राई हो गए तो मैंने आखिरी में यहाँ पर कड़ी पत्ता डाला है ध्यान रहे कड़ी पत्ता ना अच्छी सूखी होनी चाहिए मतलब इसमें पानी नहीं होनी चाहिए नहीं तो ये बहुत ज़्यादा उड़ेगी या फिर जब हम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रहे थे ना आप उस समय भी इसे रोस्ट करके डाल सकते हैं मैं भूल गई थी इसीलिए मैं यहाँ पर आखिरी में डाल रही हूँ और देखिए यहाँ पर कड़ी पत्ता फ्राई करने से इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल चला जाता है लेकिन मैं भूल गई थी तो मैंने इसी समय फ्राई कर दिया अब इसे अच्छे से दबाते हुए यहाँ पर सारे जो सेवई है ना उसे चूर दें और अच्छे से हाथों से मिक्स करें ट्राई कीजिएगा बहुत बहुत ही अमी लगती एकदम खस्ता एकदम क्रिस्पी और जो नॉर्मल बेसन वाली सवी होती है ना उससे भी इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है अगर बच्चे ऐसे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं ना तो आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप इवनिंग स्नैक्स के लिए चाय के लिए भी आप इसे बना सकते हैं कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय टेक केयर